हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया है। सो, आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है अक्षु के साथ। और आज देखो, मैंने अक्षु को ना पिंक पिंक पहनाया और अक्षु इसमें ना बहुत क्यूट सा लग रहा है। और ये देखो, अक्षु की शैतानियाँ कभी कम नहीं होने वाली है। बट आज के व्लॉग में ना क्या स्पेशल होने वाला है बताऊँ आपको। मैं ना मम्मी के साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ, प्रैंक तो क्या मतलब, एक हमने ये देखो इतनी सारी शॉपिंग करी है तो मैं ये क्रॉप टॉप है तो मैं ना मम्मी को बोलने वाली हूँ कि ये मैंने मंगवाया है। वैसे मैंने कभी क्रॉप टॉप पहने नहीं है, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो आज मैं मम्मी को बोलूँगी ये मैंने मंगवाया, तो देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन होता है। ठीक है। मम्मी बोलेगी तू कहाँ जा रही इसे पहन के, तो मैं बोलूँगी अरे मैं कहीं चली जाऊँगी घूमने फिरने। तो अभी देखते हैं, मम्मी अभी बाहर है, मम्मी जब अंदर आएगी तो मैं ना वीडियो बनाऊंगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्रॉप टॉप। ठीक है। और ये जो क्रॉप टॉप है वो कुछ ऐसा है। तो बस वैसे ये मेरा नहीं है, वह ये रेनू का है, मतलब कुछ सामान मेरा है कुछ रेनू का है। तो मैं मम्मी को बोलूँगी है ना मैंने मंगवाया है, तो अभी देखते हैं मम्मी क्या बोलती है। वेट करते हैं। ये देखो, मैंने अक्षु को आज पिंक ड्रेस पहनाई है, मतलब है तो उसी का, बट ये ना पिछले साल के अक्षु के कपड़े जो ना लिटिल बिट थोड़ा छोटे हो गए हैं। तो ये देखो, अक्षु अभी प्ले कर रहा है। अच्छी अच्छी क्या कर रहे हो आप? अक्षु को खेलने से मतलब है बस। और अक्षु के लिए मम्मी ये बकेट लेके आई थी ना, तो इसमें हमने अक्षु के पजामे रखे थे, तो इसमें अभी हमने ना अक्षु के ना सारे मतलब खिलौने भर दिए। ये देख सकते हो आप, ये कुछ मतलब ये तो फुल हो गया है, बट कुछ ना दीवान में है, तो उनको हमने दीवान में ही रखा हुआ है, क्योंकि दीवान में सारे मतलब टैडी वगैरह हैं, तो टैडी से ना अच्छू खेलता नहीं है, तो हमने फिर ना वो संभाल दिए। और ये देखो, अभी मतलब सारे टॉय अपने आप नीचे रखेगा और सारे टॉय ना बकेट में डाल देगा। और हम परसों अच्छी के लिए लेके आए, क्योंकि अच्छी ना जब देखो ना वाइपर उठा देता है और वाइपर से ना मतलब बॉल को ऐसे ऐसे मारता है, तो हमने सोचा चलो हम इसके लिए ना रैकेट लेके चलते हैं। अच्छी अच्छू अच्छू अच्छी अच्छा टिथ दिखा दो अपनी टिथ। अच्छा शो मी योर टिथ। अच्छी पता नहीं अच्छू को ना पता होता है कि मतलब मेरी वीडियो बन रही है, तो अच्छी ना उस टाइम पे कुछ नहीं करता। अच्छी अच्छी ये कपड़ा पहले था विदेश कल ठीक नहीं लग रहा मम्मी अपने आप पे देख रही है, मम्मी कह रही है कतरा पहन के कहाँ जा रही है। सो मम्मी के साथ हमने ये मजाक किया। मैंने मम्मी को बोला ये मैंने मंगा रखा अपने लिए। मम्मी बोल रही कहाँ जा रही पहन के कतरा पहन के रबड़ लेगी तो यार रबड़ ना खा गया बोला। अच्छी क्या खा रहे हो आप, क्या खा रहे हो, पसंद आ गई आपको आइसक्रीम? हाँ पसंद आ गई तो मुझे ना टीम में तो मेरे को ले लेनी नहीं था कि हैं। और चाहिए आपको आइसक्रीम? हम नहीं दे रहे। और चाहिए और चाहिए और चाहिए दे दो भाई। और चाहिए क्या चाहिए? हो चाहिए वहाँ से आ जाओ आइसक्रीम आ जाओ। हो चाहिए अच्छी हो चाहिए हो अच्छा फिर से बोल दो और चाहिए। फिर बोलो अच्छी अच्छी फिर से बोल दो और चाहिए। बोलो बोलो और चाहिए क्या चाहिए अच्छू क्या चाहिए अच्छी बता दो ना। और अच्छी कह रहा और चाहिए आइसक्रीम और चाहिए आइसक्रीम। ये जल्दी लेके आओ आइसक्रीम। पापा ने एक दिन अच्छी को आइसक्रीम खिलाई और उस दिन से ना मतलब डेली लगा रहता है और आइसक्रीम फ्रिज के लिए आइसक्रीम। तो आजकल हम इसको ना डेली थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा मतलब पापा ब्रेक लेके आ रखे, तो जब थोड़ा पिघल जाती है ना तब देता है आइसक्रीम। पता नहीं क्या चस्का लग गया उसको आइसक्रीम खाने का। दादी को कह रहा और लेके आओ और लेके आओ। नना भी ना अच्छी और ये वन खाते से अच्छी
सो अभी हम नहा धो के हो गए तैयार। एनीवे तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो जो मैंने शॉपिंग करी है, मतलब मैंने भी क्या करी है, हम दोनों ने, रीनू ने और मैंने मिलकर जो शॉपिंग करी है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और पहन के दिखाऊंगी कैसा हमने क्या क्या मंगवाया है। तो अभी ये देखो मैंने सारे पैकेट ला के यहाँ पे रख दिए हैं, ये देखो ये सारे पैकेट, कुछ हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं, कुछ हमने एजियो से मंगवाए हैं, कुछ हमने मिंत्रा से मंगवाए हैं। मैं तो फ्लिपकार्ट से ही मंगवाती हूँ, मतलब मुझे उसमें भी टिक टिक लग जाता है तो इसीलिए कुछ कभी मिंत्रा से मंगवा देती हूँ। एजियो से बहुत कम, मतलब अभी तक शायद थी, मैंने कुछ नहीं मंगवाया मैंने उससे। तो चलिए अभी पहले मैं दिखाती हूँ आपको, आपको दिखाती हूँ मैं जो मैंने कुर्ती ऑर्डर करी है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे है। वेट, सो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कुर्ती। सब मैंने लाइन वाइज से रखे हुए हैं, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई है। तो इस कुर्ती का लुक कुछ ऐसे है, इसे मैं पहन के दिखाती हूँ। ये मुझे मुझे इसका प्रिंट अच्छा लगा था, तो वेट देखते हैं कैसे लग रही है। तो ये है पूरा कुर्ती, पीछे से भी प्रिंट है, आगे से भी सेम प्रिंट है, बट ये मुझे ना थोड़ा मुझे शोल्डर से अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो अभी देखते हैं, वैसे तो अभी देखते हैं इसको एक्सचेंज करेंगे या क्या करेंगे, मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है, लग तो अच्छी है वैसे। 1 मिनट। और इसे मैंने पहना है ब्लैक पैंट के साथ पहना है मैंने, नहीं दिख रहा। सो अभी मैं दूसरा भी मैं कुर्ती ही दिखाऊंगी। और ये ना पीछे से जो आवाज़ आ रही है ना, आज हमने ना कूलर लगा दिया, इतनी गर्मी हो रही है तो ये उसकी आवाज़ आ रही है, जिस वजह से मेरी आवाज़ ना थोड़ा कम आ रही है, मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ वैसे। तो चलिए दूसरी कुर्ती दिखाती हूँ आपको, ठीक है। इस कुर्ती के बारे में पक्का बताना कैसी लग रही है, लग तो अच्छी रही है, मम्मी भी कह रही है कि अच्छी लग रही है। सो दूसरा पार्सल है ये, एक तो ना यहाँ से बहुत धूप, मतलब धूप ज़्यादा है यहाँ से, वहाँ से भी धूप आ रही है, तो जिस वजह से थोड़ा एडजस्ट कर लिया। तो दूसरी कुर्ती है ये देखते हैं अभी। ये भी प्रिंट कुर्ती है, नहीं दिख रही ना ये भी प्रिंट कुर्ती है। वैसे मैं प्रिंट, मतलब इतना मैंने कभी फ्लावर वाली कुर्ती पहनी नहीं है, ये मैं फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाई है, मतलब ऐसे जिसमें पूरे पूरे बड़े बड़े फ्लावर हों, तो मैंने सोचा मैं इसको मंगवा के देखती हूँ कैसी लगती है। तो चलो इसको वेयर करके देखते हैं कि कैसी लग रही है। और ये है ए लाइन वाली कुर्ती है और फ्रॉक में भी है, थोड़ा फ्रॉक है। सो एक मैंने ये वाली कुर्ती ऑर्डर करी थी जो ये थोड़ा फ्रॉक स्टाइल में है और ए लाइन शेप में है, और इसका थोड़ा नेक डिज़ाइन ऐसा थोड़ा डिफरेंट है, तो इस वजह से भी मुझे ये अच्छी लगी थी। और प्लस पॉइंट ये पूरा कॉटन है, मैंने एक बार वॉश भी कर दिया इसको। और एक ये पूरा सेट मंगवाया है जो ये आजकल चल रहे हैं, मतलब शॉर्ट कुर्ता चल रहा है और इसके नीचे पैंट चल रही है, ये लाइट स्काई ब्लू है और मतलब पूरा वाइट वाइट दिख रहा है ना, क्या करें यार, कैमरा अच्छा नहीं है मेरा। बट ये बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा पार्टी वेयर टाइप का है, बट ये बहुत लूज है, ये देखो। अदरवाइज बहुत अच्छा सेट है और बहुत रीजनेबल प्राइस में भी है, सो आप लोग भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बट मतलब कि ऑर्डर से ना आप एक साइज छोटा ही ऑर्डर करना, बट इसकी स्लीव हमें बहुत अच्छी लगी, अम्ब्रेला कट स्लीव। बाकी ये ऑल ओवर बहुत अच्छा है, बस ये थोड़ा लूज है, तो अभी देखते हैं हम इससे अभी, मतलब मीडियम नहीं, ये मीडियम साइज है, ये देखो इतना लूज मीडियम साइज है ये, हम इससे मंगवाएंगे, स्मॉल साइज मंगवाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं दूसरा दिखाती हूँ, दूसरा क्या मैंने ऑर्डर किया था, तो नहीं अभी मैं क्रॉप टॉप पहन के दिखाती हूँ जो मैंने मम्मी के साथ मजाक किया था, ठीक है। तो उसको पहन के दिखाती हूँ, देखती हूँ कैसा लग रहा है कैसा नहीं, वैसे मैंने आज तक अभी पहना नहीं है, तो लेट्स सी। मम्मी बोल रही थी अगर हम दिल्ली विल्ली में होते तो चलो कोई बात नहीं पहन लो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा होता है ना, तो इसीलिए अभी मैं पहन के दिखाती हूँ। सो मैंने एक ये टी शर्ट मंगवाई थी, ये मतलब आजकल चल रही है ना थोड़ा लॉन्ग टी शर्ट, थोड़ा लूज टाइप की, तो ये मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी थी। और ये टी शर्ट ना इन्होंने पसंद करी थी,
इसका थोड़ा कैसा कलर है पता नहीं, कौन सा कलर है यार, बट पीछे मिकी माउस फैला हुआ है, तो इसको हम ब्लैक ट्राउज़र के साथ वेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैंने ना क्रॉप टॉप नहीं पहना क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब अनकंफर्ट लग रहा था, तो इसीलिए मतलब पहना लेकिन वीडियो नहीं बनाई। एक तो वीडियो भी मेरी पूरी क्लियर नहीं आ रही, और मैंने ना सारे एंगल में कैमरा रख दिया, कभी उधर रख दिया, कभी इधर रख दिया, कभी इधर रख दिया कि वीडियो अच्छी बने। अच्छी क्या बने, मतलब वीडियो थोड़ा क्लियर आए बट नहीं आ रही है। तो दिस वन इज़ द लास्ट। सो आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसी थी मेरी शॉपिंग। और ये टॉप ना बहुत मतलब कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा, और मुझे ना गर्मी में मतलब ऐसे लूज लूज कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। अभी मैंने सारा सामान जो है पैक कर लिया है, और मुझे ऐसा लगता है मुझे ना यहाँ पे वीडियो बनानी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पे क्लियर आ रहा है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।